और ये सब सामान मैंने सेट कर लिया है जो भी कल लेके जाना है। और अब रात के 12 बज चुके हैं, मैंने इनकी सबकी पैकिंग करके सबको अच्छे से रख दिया है। सुबह इनको फटाफट से बैग में पैक कर दूँगी। तो बस ये सब काम हो चुका है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आपस में सोने जा रही हूँ, मिलती हूँ आपको सुबह। बस रात में मेरे को 12:01 बज गए थे सब कुछ पैकिंग वैकिंग करते हुए, तो मैं सोई बहुत लेट। और हम लोग गांव से आए थे उस दिन भी, मैं मतलब सुबह हम लोग 4 बजे उठ गए, तो मतलब 2-3 दिन से मतलब बिल्कुल भी सो नहीं पा रही हूँ मैं। तो बस सो फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड, और गुड़िया और वो लोग तो वहीं पर ही हैं, बट हम लोग फैमिली आपस में गेट टुगेदर करके और जो भी हमको दस्तूर करना है वो हम लोग करने के लिए आज जाएंगे। और मेरे बड़े पापा और सब लोग भी, गाँव से भी 5-7 लोग आएंगे, मतलब मेरे बड़े पापा बुआ सा वो सब लोग आएंगे, तो वो लोग भी 9 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मुझे 9 बजे तक रेडी होना, मैं आज 4 बजे उठ चुकी हूँ, सब मैंने सब कुछ सामान अच्छे से डाल के पैक कर दिया, सब कुछ अंदर ये देखो आप देख रहे हो बैग्स में रेडी कर दिया। बस ये भी मुझे अभी डालना है ये सब सामान डाल के, और उसके बाद में मैं रेडी हो जाऊँगी। मुझे तो मेरा तो कुछ पता ही नहीं कि मुझे क्या क्या करना है, मैं बस अब रेडी होने जा रही हूँ और मिलती हूँ आपको रेडी हो। तो बस रेडी हो गया है, इसने अपने ब्रिजेश और टी शर्ट पहन लिया है, अभी ऊपर शेरवानी पहनेगा। थोड़ी देर में बस पूजा करके इसको फिर मैं रेडी करूँगी। बस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। आर यू एक्साइटेड? मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है, बस मुझे लिपस्टिक लगाना बाकी है। बीच बीच में काम का भी ढोली आ रहा है, उसको भी पूछा, वो भी अभी आ रहा है थोड़ी देर में, फोटोग्राफर आएगा, वो सब आएंगे तो मैं उनसे मिलने बीच बीच में काम में भागी तोड़ी में ना फटाफट से तैयार हो रही हूँ। तो बस अभी मैं फुल रेडी होती हूँ और मिलती हूँ आपको फुल रेडी होके। मेरा मेकअप है ना खुद किया, आप मुझे बताना कि कैसा किया। मैंने आईज पे थोड़ा अलग किया है और मैंने खुद ने मेरा मेकअप किया आज फटाफट, वो भी फटाफट सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर। तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। रखना है कि वहाँ पे कोई भी टीका लगाएगा पैसे देगा तो आपको बैठना नहीं, वरना सगाई हो जाएगी आपकी। सगाई हो जाएगी, सोचेंगे लड़का तैयार होके आया है, बढ़िया दो लड़के आए हुए तैयार हुए, दोनों के तिलक लगाओ, हाथ पे पैसे दो और हमारी बेटी से आपकी शादी पक्की हो गई है। नहीं करके बैठना मत कहीं भी, बस तो पैसे देंगे तो लेगा, तो मेरे को नहीं पता फिर लेना मतलब, फिर आपने यस कर दिए, पूछ के दे रहा कि आपको सगाई के तो नहीं दे रहे हो ना। अरे मजाक कर रही हूँ, हाँ ठीक है, दोनों तैयार हो गए, बस अब साफा पहनाओगे, हिलना नीचे साफा दिखाओ सामने, इसके बटन नहीं बंद हुए। बड़े मामा और मामा भी रेडी हो गए, तो मम्मी अपनी फुल ड्रेस में फुल ड्रेस के अंदर एकदम। तो हम सब रेडी होके बस निकल गए घर पे, मैं घर पे जितना व्लॉग शूट कर सकती थी मैंने उतना शूट करा, बाकी जो नहीं शूट करा वो मैं बाद ऐसे दिखा दूंगी आपको। कैसे क्या बोले यार, बना को कॉल लगा रही हूँ, बना फ़ोन पे रेडी होके वहाँ से आ जाएंगे और ये बस वीडियो कॉल पे आ जाएंगे। वो वीडियो कॉल के ऊपर पापा उनको तिलक कर रहे हैं और ये गुड़िया के फादर इन लॉ हैं, और बहुत ही अलग चीज़ है सब लोगों के लिए, आई नो हमारे लिए भी बहुत अलग चीज़ है, तो सबको लग रहा था कि कैसे करेंगे, बट एवरीथिंग वेंट सो वेल। साजन साजा नौकरी कांदे धरी में।
सावी से तो मिला है नहीं? तू सावी से तो मिला? आई रही सावी, लड़ना नहीं, लड़ लिया तो अपन दोनों बजा देगी अच्छे से। और ये छोटे से जो भाईसा हैं, ये हैं गुड़िया की जेठ के बेटी, जो कि बहुत ही क्यूट है। और ये देखिए, इन दोनों को जब साथ में आते तो फुल मजे करते हैं दोनों। और ये है गुड़िया की ननंद रेनू जीजा, और जीजा बहुत ही स्वीट पर्सन है। और मुझे सही में लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ या पूरी फैमिली से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, क्योंकि सब लोग बहुत ही स्वीट हैं। और ये है गुड़िया की जिठानी, रियल जिठानी। और मैं इन सबका वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रही, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, तो जो रिकॉर्ड किया वो। ये भी गुड़िया की जिठानी है, बड़े पापा की डॉटर इन लॉ। और ये मेरे रियल भुआसा हैं, जो कि झुंझुनू विराजते हैं। तो भुआसा भी आए थे सुबह आज, और भुआसा का ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है। भुआसा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, बट स्टिल वो ट्राई कर रहे हैं थोड़ा डांस करने की। और ये भी मेरे भुआसा हैं, ये भी जयपुर ही विराजते हैं, और ये भी मेरे बड़े दादोसा की डॉटर हैं। और ये मेरे मम्मा फुल मज़े के मूड में हैं, और सब लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। गुड़िया की पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, तो सब लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, उन दोनों को ज़रूर मिस कर रहे हैं, कि जिन लोगों के लिए पूरी पार्टी है वो दोनों ही नहीं है, बट स्टिल हम लोग भी सब फैमिलीज आपस में बहुत बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और ये मेरे बड़े मामा हैं, जो कि गांव से आए हैं, और ये गाना उनका बहुत ही फेवरेट गाना है, और मेरा भी। दादी और सासू और उसकी भुआर सासू, और दोनों ही इतने मस्त हैं, बहुत ही। दादी साहब को तो डांस करने का इतना शौक है, और वो इतने खुश हो रहे हैं, बट ऑब्वियस उन दोनों को ज़रूर मिस कर रहे हैं, बट लेकिन वो फुल इन्जॉय कर रहे हैं। सब लोग बहुत ही स्वीट हैं। और ये भी मेरे भुआसा हैं, जो कि यहाँ पे जयपुर विराजते हैं, मेरे बड़े बड़े दादोसा की डॉटर हैं।
और वो जो डार्क पिंक में है वो है गुड़िया की मदर इन लॉ, जो कि बहुत ही स्वीट पर्सन है। हम लोग सब लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं, बट ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम लोग इन सब लोगों से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। सब लोग, पूरी फैमिली बहुत ही स्वीट है। और ये भी है गुड़िया की ननन। बस सब लोग रवाना हो गए और ये जितनी भी वीडियोस और शूट करी थी वो सब निकू ने शूट करी थी, तो वो जितनी शूट कर पाया उसने वो सब शूट करी, बिकॉज मैं तो बिज़ी हो गई थी, मैं बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, तो उसने सब कुछ शूट कर लिया। सो थैंक यू सो मच निकू। बहुत अच्छे से हो गया और सब लोगों ने खूब डांस किया, खूब इन्जॉय किया बाद में, और हम सब लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया और उनकी फैमिली वालों ने भी सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो फाइनली एक काम हो चुका है एंड दिस वॉज द गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं इतने दिन से ब्लॉग्स भी नहीं लगा पा रही थी, वो इसीलिए नहीं लगा पा रही थी बिकॉज मैं थोड़ा सा इस चीज़ों में बिज़ी हो रखी थी, क्योंकि गुड़िया की सामान भी मुझे यहाँ से पूरा भेजना था, तो मैंने वो सब शॉपिंग करी यहाँ से, वो सब शॉप करके वो सब मैंने तो गाँव से मेरे बड़े मामा बड़े पापा और वो जो लोग सब लोग आए थे, मेरे दादा लोग, वो लोग भी सब रवाना हो गए, और मेरे भुआसा भी जो इन्होंने बता रहे थे वो भी रवाना हो गए। अभी बस सब लोग रवाना हो गए हैं, लेकिन सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया एंड आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया हो। सब लोगों ने खूब डांस किया और मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि बिकॉज मेरे को इतने टाइम के बाद में तो कोई ढोली सुनने के लिए मिले, और वो भी मैंने कहा अब तो मुझे डांस तो करना है बिकॉज मैं शादी में नहीं जा पाऊँगी, तो मैं एटलीस्ट डांस तो कर लूँ यहाँ पे जितना कर सकती हूँ। तो हम लोगों ने खूब फुल डांस किया, मम्मा ने भी खूब इंजॉय किया, फिर हम ढोलियों को यहाँ घर पे भी ले आए थे, तो फिर हमें को घर पे भी थोड़ा सा शगुन करना था, तो घर पे भी हम लोगों ने उन लोगों ने थोड़े बहुत भजन गाए और उसके बाद में हम लोगों ने सब ने डांस किया थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने खूब इंजॉय कर लिया। और आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मैंने ट्राई किया जितना मैं ले सकती थी उतने लेने का। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल विच इज़ प्यार ब्लॉग्स। आई होप ये वर्चुअल इंगेजमेंट आप लोगों को अच्छी लगी हो, बिकॉज अब वर्चुअल का ज़माना आ गया है बिकॉज कोरोना ने सब कुछ चेंज कर दिया है। तो आई होप ये वर्चुअल इंगेजमेंट और ये वर्चुअल सेलिब्रेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। गुड़िया को और गुड़िया वो लोग भी वहाँ से फ़ोन पे देख देख के डांस कर रहे थे, फ़ोन पे देख रहे थे सब कुछ, वो कहती मुझे पता भी नहीं चलो मेरी सगाई हो गई, तो बस ऐसे ही तो वर्चुअल सब कुछ टाइम चेंज हो गया है एंड एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। कोरोना की वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया और कोरोना की वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है, सो विच इज़ गुड। तो अब ऐसे कोई फंक्शन होता है कुछ होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट सब लोग सब वापस से मिल तो रहे हैं, तो इट वॉज़ गुड, अच्छा लगा एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा।